हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं गाइस आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, डेट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस डेट में रहने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। तो गाइस, साथ ही मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी गाइस मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेगी गाइस। ठीक है, जैसे कि आपको उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो गाइस हमारा ये 20 जनवरी 2021 का, ठीक है, आज का हमारा ये रहेगा। और कल के बाद गाइज आपको ये डेली वीडियो मिलने वाली है गाइज। आज ही आपको एक हमारा शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी क्लास कब, क्लास मतलब कौन सा आपकी क्लास कब लेने वाला है। ठीक है, तो गाइज ये करंट अफेयर जो है ना कि सिर्फ आपको JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, बल्कि आप SSC का कोई एग्जाम दें। ठीक है, अभी आपका JKPSC का एग्जाम आने वाला है, KS का, UPSC के लिए भी ये गाइस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और बाकी जितने भी एग्जाम है रेलवे के। ठीक है, तो उनके लिए ये सारा करंट अफेयर जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस अपनी वीडियो हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चलते हैं देखते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे फीचर जो हमारी एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की कुछ फीचर हैं गाइस, जहां पर आपको जो भी हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, उसकी PDF यहां पे मिलेगी। ठीक है, अभी JKSSB का आपको मटेरियल, कुछ नोट्स हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, JKPSC का मटेरियल मिल सकता है गाइज हमारा यहां पे, जल्दी ही मैं उसको भी यहां पे लॉन्च करने वाला हूं, उस मटेरियल को भी। ठीक है, SSC भी आपको यहां पे मिल जाएगा, और डेली यूट्यूब के लेक्चर के जो PDF है वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे गाइज, और सेक्शन वाइज टेस्ट। ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो गाइज वो एवरी वीक यानी कि हर संडे, इस संडे गाइज, ठीक है, इस संडे आपको वहां पे टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं सेक्शन डिसाइड कर लूंगा किस सेक्शन में मैं टेस्ट बनाने वाला हूँ गाइस। ठीक है, उसके बाद फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपको पहले कहा। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन अभी उसके लिए टाइम लगेगा, मॉक टेस्ट का भी कोई जल्दी नहीं है। पहले आप तैयारी कीजिए, पहले आप अपना जो सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा इस वीडियो का। तो गाइज अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है गाइज। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है गाइज आपके पास कि फुरफुरा पेंटिंग, ठीक है, फुरफुरा पिलग्रीमेज साइट, ये फुरफुरा पिलग्रीमेज साइट जो है ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है कहां पर, ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ठीक है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, केरला में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारे पास। इसका आंसर है हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। ठीक है गाइस, तो देखते हैं है क्या चीज ये। तो गाइस फुरफुरा पिलग्रीमेज साइट जो है, ठीक है, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वेस्ट बंगाल का, उसका एक एपिक सेंटर बन चुका है। ठीक है, एक एपिक सेंटर वहां पे बन चुका है, कौन सा, फुरफुरा पिलग्रीमेज साइट जो है वहां पर। ठीक है, जहां पे यात्री वगैरह जाते हैं, तो फुरफुरा शरीफ, ठीक है, याद रखिएगा, जो फुरफुरा शरीफ है इसको हम फुरफुरा, ठीक है, FUR, ठीक है, या PHUR फुरफुरा, या FUR फुरफुरा दरबार शरीफ भी बोलते हैं, याद रखेगा। ठीक है, ये एक गांव है, कहाँ पे, हुगली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है हुगली डिस्ट्रिक्ट गाइज, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है गाइज, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है हमारे पास कोलकाता। ठीक है गाइज, ओके, तो ये होली प्लेस है किसके लिए, जो बंगाल के मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये क्या है, एक होली प्लेस है, क्या, फुरफुरा शरीफ। ठीक है, जो अभी क्या बन चुका है, जो एक एपिक सेंटर बन चुका है मुस्लिम पॉलिटिक्स का। ओके गाइस, उसके बाद देखिए, बिफोर द आफ्टरनून प्रेयर्स, आफ्टरनून प्रेयर के पहले यहां पर क्या होता है, पीपल क्यू अप एट द मजार। ठीक है, जो श्राइन है वहां पे क्या होते हैं, लोग लाइनों में लग जाते हैं, किसकी वहां पे, किसकी श्राइन है, श्राइन ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीकी की यहां पर श्राइन है। ठीक है, वो कौन थे, एक प्रोमिनेंट पीर थे, क्या थे गाइस, वो प्रोमिनेंट पीर थे, एक उस टाउन के जो है होली पर्सन थे। ठीक है, एक पवित्र आदमी थे। ठीक है, ओके, आगे देखिए, पीपल मतलब कि वहां के लोग ये कहते हैं कि दिस इज द सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट मजार। ठीक है, ये दूसरी एक प्रोमिनेंट मजार है हमारी कंट्री में, किसके बाद, अजमेर शरीफ जो है, जो कहां पर है, राजस्थान में, जहां की कैपिटल क्या है गाइज, रायपुर है, जहां की कैपिटल क्या है, रायपुर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है गाइज, वेस्ट बंगाल। ओके गाइज, अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ओडवाकल, ठीक है, चाहे जो भी न्यूज में रहता है वही यहां पर करवाऊंगा, ओडवाकल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, ये अक्सर न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है आजकल, तो ये कहां पर है, ओडवाकल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पर है। ठीक है गाइज, यू हैव ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो है कहां पर ओडवाकल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, तो गाइज ये हमें देखने को मिलता है कहां पर, तो ये हमें देखने को मिलता है
इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहां पे देखने को मिलता है गाइस? आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कुछ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसके इंपॉर्टेंट क्या है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, DGCA, उसने अभी यहां पर क्या अकॉर्ड किया है, एरोड्रोम लाइसेंस, ठीक है, यहां पे एरोड्रोम, यहां पर लाइसेंस दिया जाएगा फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए किसको? ओल्ड वक्कल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को दिया जाएगा ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ कर्नोल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो कर्नोल सिटी जो है, ठीक है, उसके आउटस्कर्ट पे, यानी कि उसके जो जो भारी इलाके रहते हैं वहां पे आंध्र प्रदेश में, वहां पे लोगों को क्या दिया जाएगा? एयरड्रोम लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है गाइस, किसको? पब्लिक यूज के लिए और वक्कल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को दिया जाएगा, कहां पे? कर्नोल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश की, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो और वक्कल है क्या? और वक्कल इज वन ऑफ द 50 लो कास्ट एयरपोर्ट, ठीक है, जो 50 लो कास्ट एयरपोर्ट जो है, जो हमारी पूरी कंट्री में वहां पर प्रपोज किए गए हैं, किसके लिए? एयर कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो कि रिमोट एरियाज में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कैसे? बाय ग्राउंडिंग नो फ्रिल्स फैसिलिटीज, ठीक है, जहां पे नो फ्रिल्स फैसिलिटीज दी जाएंगी विच आर एनर्जी एफिशिएंट विद मिनिमम सिक्योरिटी होल, ठीक है। आगे देखिए, फाउंडेशन स्टोन फॉर द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट की गाइस फाउंडेशन स्टोन है, ठीक है, वो कब रखी गई थी? वो रखी गई थी जून 2017 में, और इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? किसको गाइस? और वक्कल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो है कहां पर? कर्नोल सिटी में है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, इसको जनवरी 2019 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो गाइज अभी पता लग गया कि आपको और वक्कल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर है, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिफरेंस टू द रिवर पोल्यूशन, जो रिवर पोल्यूशन है उसके रिफरेंस में आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके केएस में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है गाइज। ओके, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का जो डेटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, साबरमती इज अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन कंट्री। साबरमती जो है वो सबसे पोल्यूटेड रिवर है कंट्री में, किसकी? अगर हम किसके अकॉर्डिंग देखें, जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ पे रिलीज किया है। उसके बाद गुजरात रैंक्स फोर्थ, गुजरात का रैंक जो है चौथा आता है उन पांच स्टेट्स में से, उन टॉप पांच स्टेट में से जो क्या है, हाईली पोल्यूटेड रिवर्स हैं, ठीक है, विद एज मैनी एज 20 रिवर इन द क्रिटिकल, 20 रिवर्स इन द क्रिटिकल पोल्यूटेड कैटेगरी। तो यहां पर जो है 20 रिवर जो है वो क्रिटिकली पोल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। आपको बताना है कि पहला यहां पे स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, नॉर नीदर वन नॉर टू। गाइस ये क्वेश्चन आपको तब आप इनको सॉल्व कर पाते हो जब आपको इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों करेक्ट हैं। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, पता लग जाएगा ना हमें, ठीक है। पीछे कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है उसमें कहा गया है कि साबरमती जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, साबरमती रिवर जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर हमारी कंट्री में है, ठीक है। अब अनचेक्ड फ्लो, इसके देखिए, अनचेक्ड फ्लो ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन टू द रिवर, जो कि इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट होता है जिसको ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, जो गंदा वहां से माल निकल कर आता है, ठीक है, पानी में मिल जाता है, किसमें? इन द गुजरात, हैज लेड टू, जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है साबरमती में, ठीक है, माही सागर में, नर्मदा रिवर में, ठीक है, विश्वामित्री में और भादर रिवर में, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात, गुजरात में। तो ये जो हमने पीछे पढ़ा ये वही लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक लिखा है कि गुजरात का जो रैंक है वो चौथे नंबर पर आता है अमंग द टॉप फाइव स्टेट जो है जहाँ की हाईली पोल्यूटेड रिवर्स हैं, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल पैरामीटर्स को देखें, ठीक है, अगर हम ऑफिशियल पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए अगर जो हमारा क्या होता है, अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, ठीक है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट करती है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का लोड कितना है, ठीक है, इज हायर देन 250 mg per liter, 250 मिलीग्राम जो है वो पर लीटर उससे ज्यादा है, देन इट शुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू द रिवर। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर ऑफिशियल पैरामीटर को हम देखें, अगर जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जिसमें लोड रहता है, अगर वो 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो उसको रिवर में देन मतलब ट्रीट करने के बगैर उसको रिवर में हमें नहीं डालना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारी जो गुजरात की रिवर्स हैं जहां पे एफ्लुएंट जो है जो गंदा माल जो है उसको डंप किया जाता है, ठीक है, और जो सीओडी लेवल है यानी कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो लेवल है वो किसके बीच में रहता है गाइस, वो रहता है 700 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 250 से ऊपर तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको हम रिवर में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 700 होने के बावजूद भी वहां पर उसको डाला जा रहा है। वाइल्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि जबकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो ये लेवल जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये रिवर की हेल्थ को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। इन पेरिनियल रिवर्स, यानी कि पेरिनियल रिवर क्या होती हैं जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है, लाइक इसे के माही सागर शुड बी इन द रेंज ऑफ, यानी कि वो किस किस रेंज में होना चाहिए, 6 to 8 मिलीग्राम पर लीटर, इट इज एक्चुअली बिलो। अब ये कितना है, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमें कितना देखने को मिलता है, 2.9 mg, तो गाइस होना कितना चाहिए, 6 to 8 mg, ठीक है। अभी यहां पर ये इतना होना चाहिए है नहीं, ठीक है, ये इससे कम होना चाहिए, ये इससे ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हमें इनमें देखने को मिल रही है, ठीक है गाइस। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको देखना है विद रिफरेंस टू द बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिफरेंस में आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है। सेटिंग अप अ BIC बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेटअप करना एज अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, इसको एक होल्डिंग कंपनी की तरह तैयार करना, या आर अ कोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करना इसको सेटअप करना, ये किसको इसको सजेस्ट किया गया था, PJ नायक कमेटी ने, ठीक है, इसकी रिपोर्ट में, रिपोर्ट कौन सी थी, गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया, ठीक है, वहां पे PJ नायक कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि BIC कमेटी जो है, BIC जो है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इसको एक होल्डिंग कंपनी बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रिकमेंड करती है ट्रांसफरिंग शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द बैंक्स टू द BIC, ठीक है, रिकमेंड करती है कि जो शेयर हैं वो ट्रांसफर होने चाहिए किसके, गवर्नमेंट के, कहाँ पे, इन द बैंक्स, बैंक में होने चाहिए, टू द BIC विच वुड बिकम द पैरेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ दिस बैंक, ठीक है, जो क्या बन जाएगी, इन बैंक्स की पैरेंट होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, ठीक है गाइज। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2, तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा जानते हैं क्या है इसमें, विद द RBI रेजिंग कंसर्न ओवर द इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, अब यहां पर देखिए रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, बैंकों में दोबारा से यहां पे कैपिटल को क्या करना गाइस, इंड्यूस करना, यानी कि कैपिटल को वहां पे बैंक में दोबारा डालना, यानी कि इन द सेंस कि क्या बोलते हैं वो, एक नए नोट वहां पर क्या करना, जो नए नोट होते हैं वो बैंक्स को प्रोवाइड करना, ठीक है गाइस, ज्यादा पैसे को जनरेट करना, ठीक है। तो विद द RBI रेजिंग कंसर्न, जब RBI इसके ऊपर जब कंसर्न रेज कर रही है कि किसके ऊपर, जीरो कूपन बॉन्ड्स किसके लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, ठीक है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हो गए गाइस, जैसे आपका J&K बैंक है, ठीक है, आपका SBI है, ठीक है, ये सारे क्या हैं गाइस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर एग्जामिन किया है, ठीक है, कि उनको एक अफोर्डेबल कैपिटल इन्फ्यूजन, यानी कि जहां से कैपिटल को इन्फ्यूज किया जाए, कैपिटल को मतलब कि जो PSB है वहां पे कैपिटल को लाया जाए, ठीक है, उसमें सेटअप करना है किसको, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को यहाँ पे सेटअप करा जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये किसने सजेस्ट किया है, PJ नायक कमेटी ने, गाइज ये आपको कमेटी याद रखनी है, ठीक है, PJ नायक कमेटी ने गाइज क्या किया है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसके लिए इन्होंने क्या किया है, सजेस्ट किया है कि इसको एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, ठीक है गाइज। ओके तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन आवर एज द फर्स्ट, पहला चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर US आर्मी का किसको बनाया गया है, ठीक है, आफ्टर द पेंटागन क्रिएटेड द पोजीशन इन July 2020, ठीक है, जबकि पेंटागन में क्या हुआ है, एक July 2020 में उसको अपनी पोजीशन उसने क्रिएट की है, तो पहला चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर US आर्मी का किसको बनाया गया है, यू हैव एन ऑप्शन गाइज, राज अय्यर, ठीक है, माला अधिगा, नीरा टंडन, डॉक्टर विवेक मूर्ति, तो गाइस किसको बनाया गया है, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी के राज अय्यर को बनाया गया है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है ये, ठीक है, इनको अभी फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है US आर्मी का। ओके गाइस इसके आगे इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इसके बारे में
वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन अमेरिकन सिविलियन, ठीक है, एक हाईएस्ट रैंक का इंडियन अमेरिकन सिविलियन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, उनका नाम है डॉक्टर अय्यर, तो सर्व एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी, ठीक है, वो अभी क्या सर्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर है वो, सेक्रेटरी जो होता है आर्मी का उसका भी प्रिंसिपल एडवाइजर है, और ये डायरेक्ट वो क्या करता है, एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्रेटरी इन मैटर, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन जो है सेक्रेटरी को किसी भी मैटर, यानी कि वो मैटर किसके रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो भी मैटर है वो सीधा उसको सेक्रेटरी को उसके बारे में बताता है, ठीक है। इक्विवेलेंट इन रैंक टू ए 3-स्टार जनरल डॉक्टर अय्यर, ठीक है, वो 3-स्टार जनरल के रैंक के इक्विवेलेंट है अभी, जनरल डॉक्टर अय्यर विल सुपरवाइज एन एनुअल बजट ऑफ $16 बिलियन, ठीक है, $16 बिलियन के बजट को वो सुपरवाइज करेंगे यूएस आर्मी के आईटी ऑपरेशंस के लिए, ठीक है गाइस, ओके, और 15,000 सिविलियन, ठीक है, 15,000 सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल जो है उनको पोस्ट किया जा रहा है अक्रॉस 100 कंट्री वर्क अंडर हिम, ठीक है, वो सारी जितने भी मतलब 15,000 सिविलियन को क्या, और जो मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है, मिलिट्री के लोग हैं, उनको 100 कंट्री से ज्यादा क्या किया जा रहा है, वहां पे भेजा जा रहा है, और वो सारे ही उसके ही अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है गाइज, ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो गाइज, आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है, तो गाइज अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है विद रेफरेंस टू द न्यू अनुभुआ मंतपा, ठीक है, जो न्यू अनुभुआ मंतपक है इसके रेफरेंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गाइस करेक्ट है, ठीक है गाइस, ओके, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट है न्यू अनुभवा मंतपा ये 6th फ्लोर स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे, इन द मिड्स ऑफ द 7.5 एकड़ प्लॉट, जो 7.5 एकड़ प्लॉट है, और ये रिप्रेजेंट करेगा बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, किसके प्रिंसिपल्स को, बासा वेश्वरा, ठीक है, बास वेश्वराज की जो फिलॉसफी है उसके प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बिल्डिंग विल अडॉप्ट द कल्याणा चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है गाइस आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, जो कि आपका अभी JKSSB का भी एक सेक्शन दिया गया है और आपका JKPSC का तो है ही है, ठीक है गाइस, ओके, तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है, 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 and 2 गाइस। अगला देखते हैं क्या है इसका आंसर, देखिए इसका आंसर है दोनों ही ठीक है। अब देखिए कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने अभी एक चीज की बुनियाद यहां पे रखी है, किस चीज की, न्यू अनुभवा मंतपा, कहां पे, इन बासवा कल्याण, ठीक है, यह है क्या, ये एक वो जगह है जहां पे 12th सेंचुरी के जो पोइट फिलोसोफर थे, ठीक है, बास विश्वरा, उन्होंने अपनी जिंदगी का मोस्टली हिस्सा, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा उन्होंने वहीं पर ही गुजारा है, ठीक है, ओके, ही प्रॉमिस द कंप्लीशन ऑफ, उसने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटका के, उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वह यहाँ पर 500 करोड़ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कितने सालों में, विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की हाईलाइट क्या है, द प्रोजेक्ट टू हाईलाइट द टीचिंग ऑफ, अब ये प्रोजेक्ट किसके बारे में होंगे, जो यहाँ पे बासवेश्वरा जो है उसकी टीचिंग को यहाँ पे हाईलाइट करा जाएगा, ठीक है, वो एक आइकन यहाँ पे माने जाते हैं वीरा शेवा लिंगायत कम्युनिटी के, ठीक है, याद रखना वीरा शेवा लिंगायत कम्युनिटी के यहाँ पे क्या माने जाते हैं, एक आइकन माने जाते हैं, वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बैक इन 2016, ठीक है, ओके, आगे देखिए बासवा, ठीक है, बासवा कल्याण एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर भी है लिंगायत के लिए, ठीक है, लिंगायत क्या है, एक कम्युनिटी है, ओके, जो न्यू अनुभवा मंतपा होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या है, इसकी फाउंडेशन जो रखी गई है न्यू अनुभवा मंतपा की, एज इनविसेज नाउ विल बी ए 6th फ्लोर, ये एक 6th फ्लोर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, 7.5 यानी कि 7.5 एकड़ की जो प्लाट है वहां पर बनेगा, और जो बासवेश्वर की फिलासफी है उसको यहाँ पर क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो गाइस कल्याणा चालुक्य है, ठीक है, उसके ही स्टाइल में यहाँ पर ये बनाया जाएगा, ठीक है गाइस, ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए विद रेफरेंस टू द मोटर बाइक एम्बुलेंस, ठीक है, मोटर बाइक एम्बुलेंस के रेफरेंस में अगर देखें रक्षिता क्या है, अब बताना है आपको, इसको CSIR ने डेवलप किया है रक्षिता को, ठीक है, रक्षिता इज फिटेड विद अ कस्टमाइज्ड रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट विच कैन बी फिटेड इन एंड
टेकन आउट एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। रक्षिता को एक कस्टमाइज रिक्लाइनिंग एवैक्यूएशन सीट के उसको कस्टमाइज करके फिट किया जा सकता है, ठीक है, जो इसको फिट किया जाएगा और इसको अगर बाहर निकालना होगा तो रिक्वायरमेंट के तहत इसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। आप बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने ऑनली टू, ठीक है। अब देखिए इसको सी एस आई आर ने नहीं बल्कि इसको डी आर डी ओ ने गाइज यहां पर क्या किया है, इसको बनाया है, ठीक है। डी आर डी ओ ने अभी ये हैंड ओवर किया है मोटर बाइक की, जो मोटर बाइक एम्बुलेंस है, ठीक है, ये जो मोटर बाइक एम्बुलेंस है रक्षिता जिसका नाम रखा गया है, किसको, सीआरपीएफ को, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ठीक है, इन मास दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ की लेबोरेटरी है दिल्ली बेस की, ठीक है। इन्होंने रक्षिता जो है एक बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल है जो इन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को गाइस यहां पर क्या किया है, हैंड आउट किया है। रक्षिता क्या है, जो दूसरा पॉइंट आपने देखा, ठीक है, इसको फिट किया जाएगा कस्टमाइज रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी एवैक्यूएशन सीट किसको फिट किया जाएगा, ठीक है, इसको फिट किया जाए, जिसको बाद में फिट किया जाएगा अगर बाहर निकालना होगा, ठीक है, उसको बाहर भी निकाल सकता रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। द बाइक एम्बुलेंस विल हेल्प, अभी हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की जाएंगी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, ठीक है, और जो यहाँ पे इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब उनके लिए हेल्पफुल होगी उनको, ठीक है, उसके और ये प्रोवाइड क्या करेगी, इट विल प्रोवाइड लाइफ सेविंग एड, यहाँ पे ये लाइफ सेविंग एड प्रोवाइड करेगी किसके लिए, जो इंजर्ड पेशेंट है उनको वहां से एवैक्यूएट करने के लिए, कहाँ से, जहाँ पे लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट एरियाज होंगे, ठीक है। ये बाइक एम्बुलेंस जो है इज यूजुअली नॉट ऑनली फॉर द ये ना सिर्फ पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज के लिए है, बट इसको हम सिविल एप्लीकेशन भी इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टू इसका आंसर है। ओके गाइज, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज अगर आपको लगी है हमारी वीडियो अच्छी तो कर दीजिए गाइज लाइक, ठीक है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइज रेगुलरली हमारे चैनल से कुछ सीख सकें तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अगर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू गाइज, जय हिंद, धन्यवाद।